नमस्कार व्यूवर्स, हैप्पी होली टू एवरीवन। होली जैसे कि रंगों का त्यौहार है, मगर यही रंग जब बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और नहीं निकलते हैं और आपके स्किन और हेयर को डैमेज करते हैं, तब यही त्यौहार आपको परेशानी लगने लगता है। तो मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आपका यह त्यौहार बहुत अच्छा, जो भी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं वो सब आपको ना आए। इसमें तीन बातें हम डिस्कस करेंगे। पहले, होली से पहले क्या तैयारी करें, होली पर क्या तैयारी करें और होली के बाद क्या करें। सबसे पहले हम बताते हैं कि होली से पहले क्या तैयारी करें, क्योंकि होली में जो आप कलर्स यूज करते हैं वो सब सिंथेटिक होते हैं। तो आप एक कोशिश करें कि आप, दूसरे का तो आपको नहीं पता, बट आप ये कोशिश करें कि जो कलर्स आप यूज कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक हो। जैसे गुलाल, अगर आप पीले रंग का गुलाल चाहते हैं तो हल्दी में अरारोट पाउडर मिला सकते हैं, उससे आपको पीले रंग का गुलाल मिल जाएगा। बीटरूट रस में आप चाहें तो अरारोट मिक्स करके सुखा सकते हैं, इससे आपको पर्पल कलर का गुलाल मिल जाएगा। इवन आप बीटरूट को कद्दूकस करके सुखा कर मिक्सी में पीस कर भी अरारोट मिलाकर गुलाल बना सकते हैं। टेसू के फूल, उसको आप पानी में ओवरनाइट भिगो कर थोड़े पानी को उबाल कर छान लीजिए, वो भी बहुत सुंदर ऑरेंज येलो कलर देता है, और उसमें अरारोट मिक्स करके सुखा लीजिए, वो भी आपको एक ऑर्गेनिक गुलाल देगा। इस तरह से आप ऑर्गेनिक गुलाल बना सकते हैं। और उसी, अगर आप कहते हैं कि इन गुलाल में खुशबू नहीं है, तो आप उसके अंदर संदल पाउडर मिक्स कर सकते हैं, उससे आपको बहुत ही अच्छी चंदन की खुशबू आएगी। रोज पेटल यूज कर सकते हैं, उससे आपको रोज की खुशबू आएगी, तो आप खुशबू भी उसमें ला सकते हैं और ऑर्गेनिक गुलाल को घर में बना सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको होली खेलने से पहले क्या तैयारी करनी है। एक तो आप कोशिश करिए जो आप कपड़े पहने वो कॉटन के हों, सिंथेटिक ना हो, क्योंकि जब आप गीले होते हैं तो वो कपड़े चिपक जाते हैं और वो सूखते नहीं हैं और आपको ठंड लगती है। कॉटन का कपड़ा जल्दी सूख जाएगा और आपको ठंड नहीं लगेगी और आप बीमार नहीं होंगे। दूसरा प्रॉब्लम कि आप सिंथेटिक कलर से आपकी स्किन डैमेज हो जाती है और आपके हेयर्स खराब हो जाते हैं, तो उसके लिए आप कोकोनट ऑयल या कोई भी जो ऑयल बहुत विस्कस होता है, चाहे तो तिल तेल भी यूज कर सकते हैं, उसको अपने फेस और हेयर्स में बहुत अच्छे से लगा लें। इवन आर्म्स पे भी, जो पार्ट आपका एक्सपोज रहता है, जहां सबसे ज्यादा कलर लगता है, उन पार्ट्स पे आप कोकोनट ऑयल की अच्छे से मसाज कर सकते हैं। अगर आप फेस पे कोकोनट ऑयल नहीं लगाना चाहते हैं तो फेस पे आप कोल्ड क्रीम लगा सकते हैं, कोई अच्छा मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। ये सब एक लेयर बना देंगे आपके स्किन और हेयर पे, जिससे आप जो केमिकल के टॉक्सिक इफेक्ट हैं उससे बच सकेंगे। अब हम बात करते हैं कि होली के बाद आपको क्या करना है। आपको कलर रिमूव करने के लिए, अगर आप पहले ऑयल लगा लेते हैं फेस पे, उसके बाद सोप अप्लाई करते हैं, तो कलर निकलना इजी हो जाता है। दूसरा, आप चाहें तो मॉइस्चराइजर लगाकर भी धीरे 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 आप अपने गालों को रगड़ सकते हैं, तो उससे भी कलर जल्दी से उतरेगा और कोई रैशेस नहीं आएंगे। नहीं तो आप कर्ब, बेसन और हल्दी का पैड बना के फेस पे लगाइए, उसको 5 मिनट सुखाइए और उसके बाद फेस को ठंडे पानी से धो लें। कोशिश करिए कि फेस को ठंडे ही पानी से धो के कलर उतारें, बिकॉज वार्म वाटर जो है वो कलर को और सॉलिडिफाई कर देता है और कलर उतरना मुश्किल हो जाता है। अब आती है आपके हेयर्स की बात, तो हेयर्स के लिए भी पहले अपने बालों को ठंडे पानी से ही धोएं और बहुत देर तक बालों को पानी से धोते रहें। उसके बाद आप चाहें तो कर्ड और हनी का हेयर पैक तैयार करके अपने हेयर्स पे लगा के उसको आधे घंटे तक सुखा के माइल्ड शैम्पू कर सकते हैं। फिर भी अगर बाल ठीक नहीं होते हैं
तो मीठी और शिकाकाई का पाउडर बनाकर आप अपने लिए हेयर पैक बना सकते हैं, और चाहें तो उसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता सुखाकर भी यूज कर सकते हैं, और उस हेयर पैक को वीकली अप्लाई करके आप अपने हेयर्स की कंडीशनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कई बार कुछ लोगों को रैशेज हो जाते हैं, तो उसमें आप ग्लिसरीन और रोज वाटर को मिक्स करके लगा सकते हैं, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं, इनसे आपके रैशेज कंट्रोल होते हैं। अगर मान लीजिए आपकी आंख में अचानक कलर चला गया है, तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। पानी को बार बार ठंडे, आंखों को बार बार ठंडे पानी से धोएं और उसके बाद उसमें रोज वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हैप्पी होली टू एवरीवन, एंजॉय होली, प्लीज मेक इट एज अ सेफ होली। बाय बाय।